देख रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गोली लगने से सिपाही की मौत, शव के पास से मिला तमंचा, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि मामला मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र के खुशहालपुर का है, जहां पर एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई। शव के पास से एक तमंचा पड़ा हुआ मिला है। इसके कारण माना जा रहा है कि सिपाही ने खुद को गोली मारी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुरादाबाद के हालपुर की गली नंबर 3 में सिपाही सुनील कुमार का परिवार रहता है। सुनील कुमार की तैनाती रामपुर में बताई जा रही है। SSP प्रभाकर चौधरी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि सिपाही ने खुद को गोली मारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सुबह मझोला थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक हेड कांस्टेबल सुनील कुमार ट्रैफिक पुलिस जनपद रामपुर में तैनात है, इनके द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात मालूम चली थी और मौके पर पहुंच के छानबीन की गई तो प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी जो आवश्यक एविडेंस है वो इकट्ठा किए गए हैं और परिवार वालों से जानकारी, साथ ही जो मौके पर अन्य चीज़ें पता चली वहाँ से ये स्पष्ट हुआ कि इनका मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा था। पिछले कई सालों से ये कई बार डिप्रेशन में भी आए थे, जिसकी दवाइयाँ इनके द्वारा ली जा रही थी और जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो आगे की जा रही है।